रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सोनिया गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत, का राहुल को मनाऊंगा नहीं माने तो ही चुनाव लड़ूंगा। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कर्नाटक सरकार बोली कुरान का हर शब्द धार्मिक लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, बेहतर होता यात्रा की शुरुआत गुजरात यूपी एमपी से होती। पुरी के शंकराचार्य बोले हिंदू एक नहीं हुए तो पिटेंगे, धर्म सभा में कहा नूपुर शर्मा ने ठीक कहा था, जाने क्यों इतना बवाल हो रहा है। एडमिरल आर हरि कुमार बोले वर्ष 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी भारतीय नौसेना। भाजपा नेता ने शरद पवार को घेरा, रामपंका बोली सारे आरोप निराधार, माफी मांगे अतुल। हाईकोर्ट से नारायण राणे को झटका, बंगले में हुआ अवैध निर्माण को 2 हफ्ते में गिराने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे लोग, 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामले में होगी सुनवाई। कांग्रेस चीफ की रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट बोले कोई एक साथ दो पद पर नहीं रह सकता। अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत बोले जो हाईकमान का आदेश, विधायक दल की बैठक में कहा राहुल को आखिरी बार मनाऊंगा। राहुल गांधी ने 14वें दिन कोची से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, सचिन पायलट भी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को दी है चुनौती। ए राजा के मनुस्मृति पर विवादित बयान से भाजपा नाराज, लोकसभा अध्यक्ष से मांगे माफी, भी डीएमके नेता ने चुनाव लड़ने पर रोक लगी। डीजीसीए करेगा पंजाब सीएम को विमान से उतारने की जांच, केंद्रीय उड़ान मंत्री ने कहा एयरलाइन से मांगी जाएगी जानकारी। बंगाल एसएससी भर्ती घोटाला में ईडी का दावा, पार्थ चटर्जी ने अवैध तरीके से कमाई मोटी रकम, अर्पिता के घर में छिपाई। सहारनपुर में लुटेरी दुल्हन सहित साथी गिरफ्तार, हरियाणा उत्तराखंड और यूपी में फैला है नेटवर्क, आधा अपने पास रखती थी। गंगा में जहरीला पानी जाने पर एफआईआर, कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन, हार्ट अटैक के बाद 42 दिन से चल रहा था इलाज, कल दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। सहारनपुर में टीचर स्टूडेंट का शव फंदे से लटका मिला, 47 साल की टीचर का 19 साल की छात्रा से था अफेयर।
लड़के के मर्डर पर आजमगढ़ सांसद ने रहुआ परिजनों से मिले, बोले इत्मीनान रखे कातिल पकड़े जाएंगे उसे कड़ी सजा दिलाएंगे। तीन बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, उन्नाव में शोहदों से परेशान बहनों ने छोड़ दी पढ़ाई। बाराबंकी में बेखौफ चल रहा अवैध टैक्सी रोड, हर वाहन पर वसूले जा रहे 25 रुपए, चालकों ने किया विरोध। नोएडा में बाउंसर ने युवक को सरिया से पीटा, कार पार्किंग को लेकर अस्पताल के बाउंसर से हुआ था विवाद। प्रयागराज में किशोर की संदिग्ध मौत, घर के बाहर बनी मड़ई में बेहोश मिला था, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मथुरा में चचेरे भाई की हत्या, घर में सोते समय ईंट से सिर पर किया हमला, अस्पताल में मौत हो गई। सीतापुर में संपत्ति के मालिक मामा को काट डाला, 55 की उम्र में करने जा रहा था दूसरी शादी, भांजे की वसीयत निरस्त कर दी थी। डिप्टी सीएम बोले सत्ता के बिना तड़प रहे अखिलेश, ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सांसद विनोद सोनकर के घर पहुंचे। कंपोजिट स्कूल के कमरे में मिली खाद्यान्न की बोरियां, बलिया के एबीसीए ने जांच के लिए गठित की टीम, कहा दोषियों पर हो कार्यवाही। गोंडा में नॉन वेंडिंग जोन में ठेला लगाया तो कटेगा चालान, गोंडा को अतिक्रमण मुक्त करने की कोशिश। हमीरपुर में बारिश का पानी घर में घुसा, सड़कें हुई लबालब, गलियों में घुटने तक पहुंचा पानी, छोटी नदियों के उफान मारने के आसार। हरदोई में सेवा पखवाड़ा के तहत चला स्वच्छता अभियान, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को किया जागरूक। बुलंदशहर में 31 साल जेल में रहने के बाद सुनाई सजा, चोरी का प्लान बनाने में मामले में पकड़ा गया था, 14 साल जेल से रिहा। शामली रेलवे स्टेशन के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, नहीं हो सके शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। झांसी माई में मामूली मारपीट में घायल युवक, 10 दिन के बाद मौत, परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। चंदौली में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे ने निरस्त किया 5 ट्रेन, दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित। कन्नौज में मंदिर की जमीन बचाने को धरने पर बैठे ग्रामीण, एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, दबंगों से जमीन बचाने की मांग। आगरा में महिला थाना एसओ लाइन हाजिर, महिला के वारंट पर जेठ को पकड़कर ले गई थी थाने। मेरठ में प्रेमिका के खातिर कर्जा लिया, आप सुसाइड का प्रयास, पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराए भर्ती। सीतापुर में शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त, पुलिस ने 1,24,00,000 की कीमत का मकान किया सील। ई रिक्शा लूटने के लिए दलित किशोर की हत्या, सुल्तानपुर में पुलिस ने 8 घंटे के भीतर घटना का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार।
अलीगढ़ में बारिश बनी शहर के लिए मुसीबत, सड़कों से लेकर घर स्कूल तक हुए जलमग्न। गाजीपुर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने मदरसे का किया सर्वे, मलिकपुर गांव में अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। महाराजगंज में अंबेडकर नगर मोहल्ले में चलाए गए सफाई अभियान के देव वित्त मंत्री राज्य मंत्री ने अभियान में लिया हिस्सा। महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी की टीम ने कई जगह पर छापेमारी की, छापेमारी के दौरान हीरोइन को किया गया बरामद। उत्तराखंड में खत्म हुआ पर्यटकों का इंतजार, गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद ऋषिकेश में फिर शुरू हो रही रिवर राफ्टिंग। उत्तराखंड के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राहुल को देखना चाहते हैं प्रदेश के नेता, समर्थन में कमेटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से सियासी गलियारों में हलचल, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा करते हुए पार्टी में घमासान, विधायक मयूख महर ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे के बाद विधायक मयूख महर ने पीसीसी से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में पर्वतारोहियों की चहलकदमी से गुलजार, गंगोत्री हिमालय 6 पर्वतारोही दल कर रहे आरोहण। उत्तराखंड के देहरादून में मौसम पानी और खिलाड़ी रन बरसाने को तैयार, हल्की से मध्य बारिश के आसार। उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण में 18 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, अब तक हो चुकी है 47 की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के देहरादून में ससुरालियों ने विवाहिता को 15 दिन तक रखा भूखा प्यासा, बाथरूम में किया था बंद। जीएमयूएन के एकीकरण की प्रक्रिया निर्णायक दौर में, कर्मचारी महासंघ ने सशर्त स्वीकार किया प्रस्ताव। उत्तराखंड के देवबंद रुड़की रेल लाइन के लिए 28.31 करोड़ स्वीकृत, 4 गांवों के भू स्वामियों को दिया जाएगा मुआवजा। उत्तराखंड में लंपी का प्रकोप, टीकाकरण अभियान में तेजी के लिए निर्देश, पशु चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता ने कहा, गंभीर मानसिक रोगों की तरफ धकेल रही है स्क्रीन की लत। उत्तराखंड के देहरादून में बिखरेंगे संस्कृति के रंग, सीएम करेंगे 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का शुभारंभ। पाकिस्तान से आए 48 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था, 8 बच्चे भी शामिल। इंग्लैंड में मंदिर के बाहर अल्लाहु अकबर के नारे, स्मिथ विग में मुस्लिमों का प्रदर्शन, 2 दिन पहले लिस्टर्स में हुई थी हिंसा।
म्यांमार में सेना के हेलीकॉप्टर ने स्कूल पर किया हमला, गोलीबारी में 7 बच्चों सहित 13 की मौत, 20 लोगों को साथ ले गए जवान। रूस की अमेरिका को धमकी, एडमी चेतावनी, कोई ड्रामा नहीं, रूस पर खतरा मंडरा है तो परमाणु हमला कर देंगे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार का विरोध, शख्स ने पीएमओ के पास खुद को लगाई आग। पुतिन ने 3 लाख सैनिक जुटाने का दिया आदेश, यूक्रेन के 4 हिस्सों को मिलाने की है तैयारी। राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात। ईरान में हिजाब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 5 लोगों की मौत, कुर्दिस्तान में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यह युद्ध का समय नहीं, पीएम मोदी के बयान की यूएन में गूंज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जमकर तारीफ की। पाकिस्तान में फैली संक्रामक बीमारियों से 9 की मौत, बाढ़ प्रभावित प्रांत में रोगों की चपेट में आ रहे लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वैश्विक नेताओं को दी चेतावनी, बोली दुनिया गंभीर संकट में और हम पंगु। साइरस की मौत के बाद एक्शन में सरकार, रियर सीट बेल्ट अलार्म का ड्राफ्ट जारी, 5 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन पर मांगी राय। अब क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, अभी 3 बैंकों ने शुरू की सुविधा, जाने यूपीआई से क्रेडिट कार्ड कैसे करेंगे। स्पाइसजेट ने 80 पायलटों को छुट्टी पर भेजा, 4 साल से घाटे में चल रहा एयरलाइन, लिक्विडिटी की कमी के कारण लिया फैसला। जुकरबर्ग को मेटावर्स के कदम में रखना पड़ा भारी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में 20वें नंबर पर फिसले मार्क। गूगल पर भारत सरकार का दबाव, आरबीआई ने फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम कसने को कहा, 2021-2022 में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे बटे। एशियाई देशों ने बड़े पैमाने पर की बिजनेस डील, 2020 के बाद अमेरिका में टूटी, एशिया में पहले से बेहतरीन हुई सप्लाई चेन। एयर इंडिया की सब्सिडियरी कंपनियों को बेचेगी सरकार, AISL और AISL को बेचने का प्रोसेस शुरू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को राहत, आरबीआई ने पीसीएस की निगरानी सूची से हटाया। एडीबी ने FY23 के लिए जीडी ग्रोथ का अनुमान घटाया, 7.2% की जगह अब 7% वृद्धि की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर ने चेताया, हमारा इरादा नवाचार को दबाना नहीं है, पर फिनटेक कंपनियां कर्ज लेने वाले पर ऐप नियम पालन करें। विमेंस एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कप्तान, स्मृति को डेप्टी बनाए, रोडिक्स की चोट से वापसी। सौ 8 रन बनाने के बाद भी हारी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता पहला मुकाबला।
17 साल बाद पाक के घर में जीता इंग्लैंड, पहले टी20 मुकाबले में 6 विकेट से जीता हिल्सब्रुक ने खेली मैच विनिंग पारियां। इस गेंद में जीत गई केन्या की टीम अफ्रीकी टूर्नामेंट में। कैमरून 48 रन ढेर, केन्या के 3.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। हार के बाद गेंदबाजों को डिफेंड करते नजर आए पांड्या, बोली उन पर भरोसा रखिए, ये देश के बेस्ट हैं। डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी देखकर गावस्कर का भी माथा ठनका, बोली ये तो सच में चिंता की बात है। आखिरी ओवर में आया हार्दिक पांड्या का भूचाल, लगातार 3 गेंद पर जड़े 3 छक्के, गेंदबाज के उड़े होश। वाह क्या शॉट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार का जलवा। आदिल रशीद की फिरकी में फंसे बाबर आजम, गेंद कहीं बल्ला कहीं उड़वाली स्टंप। कोहली युवराज के बीच मोहाली टी20 से पहले दिखा कैच, अप वीडियो हुआ वायरल। हार्ट अटैक से 17 दिन पहले मौत की बात, राजू ने कहा था काम ऐसा करो कि यमराज भी लेने आए तो बोले पहले भैंस पर आप बैठो। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, कभी 50 रुपए से शुरू किया था करियर, महज एक शो करने का लेते थे अब 5 से 10 लाख रुपए। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण, ट्रेंच कोट में दिखा क्लासी लुक, स्माइल ने जीता फैंस का दिल। टिब्बा के जरिए फिल्मों में वापसी कर रहे दरवेश एक्टर, बोली मुझे शर्म आती है इसलिए कभी नहीं मांगा आमिर खान से काम। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हेजल किच, अपने बेटे के साथ आई नजर, फैंस बोली छोटा युवराज। राजू के निधन के बाद गम में डूबी पत्नी शिखा, बोली उन्होंने हिम्मत से लड़ी थी लड़ाई, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रहे अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरी, लंबे समय से थी बीमार, सास 1084 की मां जैसी फिल्मों में किया था काम। नूरा फतेही का लेटेस्ट वीडियो वायरल, कंटेस्टेंट से जज बनने का सफर, एक्ट्रेस ने शेयर की अपनी जर्नी। दुबई के रेस्टोरेंट में कपिल शर्मा का हुआ जोरदार स्वागत, शेफ ने बनाए कॉमेडियन के नाम का 9-10 गुजराती फिल्म छेलो शो ऑस्कर के लिए। गुजराती फिल्म छेलो शो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट RR कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को पछाड़ा। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस